हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, फिल्म हिचकी में टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित है रानी मुखर्जी, और ये किरदार निभा रही हैं टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति का। आज हम आपको बताते हैं कि ये लाइलाज बीमारी आखिर कौन सी होती है और ये किस वजह से होती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी रिलीज हो चुकी है। इस मूवी में वह एक टीचर का किरदार निभा रही हैं जो टॉरेट सिंड्रोम नाम की बीमारी से पीड़ित होती है। इस बीमारी में शरीर की तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं करती, जिस वजह से इससे पीड़ित व्यक्ति अजीब तरह की हरकतें करने लगता है, जैसे कि अचानक आवाजें निकालना, हिचकी लेना, शुद्ध शब्दों को दोहराना, बार बार सूंघना, पलके झपकाना, होंठों को हिलाना, जैसी कई तरह की ऐसी हरकतें होती हैं जो कि इस सिंड्रोम के पीड़ित होने की वजह से व्यक्ति करने लगता है। इस वजह से पीड़ित को रोजाना की जिंदगी में काफी चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये टॉरेट सिंड्रोम होता क्या है और इसका इलाज संभव है या नहीं। आइए जानते हैं क्या है टॉरेट सिंड्रोम। सबसे पहले हम यही जानते हैं, टॉरेट सिंड्रोम तंत्रिकाओं से जुड़ा रोग होता है जिसमें मांसपेशियों में समय समय पर टिक्स होते हैं। टिक्स का अर्थ है अचानक संकुचन या सिकुड़ना। इसी वजह से अचानक मांसपेशियों में संकुचन होता है और पीड़ित के हाव भाव और शब्द बदल जाते हैं। टॉरेट सिंड्रोम के क्या कारण हैं? यह सिंड्रोम दिमाग में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन के बिगड़ने के कारण होता है, क्योंकि दिमाग का यही हिस्सा कोशिकाओं को एक्टिव रखता है। लेकिन आज भी इसका सही कारण अभी तक पता नहीं लगाया जा रहा। कई बार यह आनुवंशिक होता है। यदि कोई टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD और चीज़ों को सीखने की अक्षमता भी लोगों में देखने को मिलती है। दोस्तों, टॉरेट सिंड्रोम में शरीर की तंत्रिका तंत्रिकाएं ठीक से काम नहीं करती, जिस वजह से पीड़ित व्यक्ति अजीब तरह की हरकतें करने लग। टॉरेट सिंड्रोम के क्या लक्षण हैं, आइए जानते हैं। टॉरेट सिंड्रोम में पीड़ित शारीरिक और मौखिक दोनों में टिक्स देखे जाते हैं। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं: दांत पीसना, मुंह बनाना, कंधे उचकाना, आंखें घुमाना, सिर हिलाना, सीटी बजाना, गला साफ करना, खांसना, हिचकी लेना, चिल्लाना, एक ही आवाज़ बार बार निकालना, जीभ चटकाना, जानवरों की आवाज़ें निकालना, कुछ भी बोल देना, गालियाँ देना। टॉरेट सिंड्रोम को और बुरा बनाती हैं ये चीज़ें। इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति खुद को समाज के सामने प्रेजेंट करने में झिझकता है, लेकिन जब भी वह हिम्मत करके खुद को आगे बढ़ाता है तो कई बार कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो कुछ उसे प्रोत्साहित करते हैं। इस सिंड्रोम से पीड़ित कई व्यक्ति हार मान जाते हैं और इसी वजह से तनाव, चिंता और थकान का शिकार हो जाते हैं, जो कि टॉरेट सिंड्रोम और बुरा उसे बना देती है। टॉरेट सिंड्रोम का क्या उपचार है, आइए जानते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक नहीं बना है, लेकिन इसे कई तरीकों से कंट्रोल में किया जाता है। इसमें पीड़ित का कई प्रकार से थेरेपी की जाती है, जिसमें टिक्स को मैनेज करने के साथ साथ सभी लक्षणों पर काम किया जाता है। कई बार डॉक्टर टॉरेट सिंड्रोम के उपचार के लिए इसके साथ होने वाली परेशानियाँ जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की दवाइयां भी दे देते हैं। तो दोस्तों, ये टॉरेट सिंड्रोम आखिर क्या था और इसके क्या लक्षण हैं,
आज हमने आपको बताए हैं। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।